मोदी सरकार के चार साल के राज में आज पहली बार रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल और डीजल की महंगाई से परेशान लोगों पर आरबीआई ने लोन का भी बोझ डाल दिया है, क्योंकि लोन अब महंगा होने वाला है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया है। रेपो रेट बढ़ने का सीधा मतलब है कि आपका होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन महंगा हो सकता है, क्योंकि बैंक इसका बोझ कंज्यूमर पर ही डालते हैं। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में भी 0.25% का इजाफा किया है। रिवर्स रेपो रेट का फायदा बैंकों को मिलता है। बैंक जो रकम आरबीआई के पास रखते हैं उस पर जो ब्याज मिलता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट 6% से बढ़कर 6.25% हो गया है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 5.75 से बढ़कर 6% तक हो गया है। वित्त वर्ष 2019 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.4% पर बरकरार रखा गया है। रेपो रेट में 0.25% के इजाफे का मतलब है कि अगर आपने 20 लाख का होम लोन लिया है तो आपकी ईएमआई हर महीने 318 रुपए बढ़ सकती है। आरबीआई ने अक्टूबर से मार्च की छमाई में महंगाई के भी बढ़ने का अनुमान जताया है।